यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सर्किट, और दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए आईसो का, ये आपने खुद बनाया यहाँ पर, ये आपने बोर्ड से तो नहीं छापा है, इसको समझ के बनाया ना यहाँ पर। ईएन सिग्नल कहाँ पे आ रहा है बताओ, यहाँ पर इसमें ईएन सिग्नल कहाँ पे आ रहा है बताइए, ए फोर पे आ रहा है, सीधा सीपीयू से डायरेक्ट आ रहा है। इसमें क्या लगा हो सकता है, ईएन कैपेसिटर हो सकता है और रजिस्टर हो सकता है, बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए वेरी गुड। यहाँ पर और दिखाते हम, दिखाइए अपने, ये देखिए। तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है, रात में बैठ के अगर जितना मना लो कि भविष्य में ये चीज़ आपको गिफ्ट इतनी अच्छी मिलेगी। ये देखिए नोट्स, देखिए यहाँ पर ये नोट्स, यहाँ पर तो बनाते हो, कहाँ बनाते हो जाकर, हॉस्टल में जाकर बनाते हो, क्योंकि यहाँ तो आप रफ काम करते होगे ना। यहाँ पर यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए नोट्स, देखिए आप स्टूडेंट के, ये इनके अभी क्लास के नोट्स हैं, देखिए कंपोनेंट का हो गया, ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर के नोट्स हो गए, ये देखिए आईसीओ की डिटेलिंग, देखिए यहाँ पर पूरे पैड की जानकारी है कि कौन सा पैड का क्या जानकारी है। तो ये दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवत अग्रवाल है, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ में है हमारे आईसीओ एक्सपर्ट फिरोज सर, और हमारे साथ है हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट दुर्गेश सर, और हमारे साथ मोहम्मद सर हैं, साथ में हमारे साथ में क्लास जो है 28 नवंबर की। मैं आप सभी लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ, जो भी आपसे पूछूँ एक बार प्लीज़ हाथ उठा के बताइएगा, आप में से जब आप पहली बार आए थे किन किन को आईसीओ पर बिल्कुल काम नहीं आता था, देखिए प्रैक्टिकली आप में से किसी को नहीं आता था, एक मिनट, आप में से जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 2 साल के ऊपर भी एक्सपीरियंस है, वो कितने थे हाथ उठा के बताइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस आते हैं, और फ्रेशर कितने थे जिन्होंने बोर्ड पे काम नहीं किया कभी, बोर्ड पे काम नहीं किया, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस किस को आई सी रिवॉल्व करना आती है, सी पी यू एम एम सी एंड पावर, आप सबको आती है सर, वेरी गुड, बिल्कुल इतना आपकी आवाज़ जानी चाहिए कि हमें बाहर तक सुनाई दे कि हाँ जाती है, वीडियो तक आनी चाहिए आपके, आपके ये जो रिव्यू आपके बन रहे हैं, ये आपके दो एक दिन के रिव्यू बन रहे हैं, 2 दिन के बन रहे हैं, कब के रिव्यू बन रहे हैं ये बताइए, मैं खड़े होकर बताइए सर, 8 दिन, 8 दिन के बाद, 8 दिन आपने किया, आप 27 तारीख को आए थे, बताइए डेली क्लास कब से कब तक लगती है सर, 8 बजे से लगती है, रात को 8:30-9 बजे, और अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट और भी रुकना चाहते हैं तो रुकने दिया जाता है यहाँ पर, 10 बजे तक रह सकते हैं, 11 बजे तक रह सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम अगर मान लो किसी को काम नहीं आ रहा तो उसको ऐसा सिखाते हैं यहाँ पर, जब तक काम खत्म ना हो तब तक रुक सकते हैं। अच्छा ठीक है बैठिए, सो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत रिव्यू लूंगा, उसके साथ में बताऊंगा किस किस ने लाइव मोबाइल से पावर आईसी निकाल के लगाई, बताओ 4G हैंडसेट में, देखिए यहाँ पर, और एक बार नहीं लगाई, कम से कम 5 बार तो लगाई होगी ना, 5 टाइम लगाई, किसने सबसे ज्यादा बार लगाई, एक और नंबर बताएंगे आप, जैसे बताइए 7 बार लगाई है, 10 बार आपने पावर, और चालू किया सेट को 9 बार, ये आप फेक तो नहीं बोल रहे हैं, देखो क्या फेक बोलेंगे, इतने सारे स्टूडेंट हैं, ये सब पैसे देकर आए हैं भाई, इन्होंने फीस भरी हुई है, सीखना चाहते हैं, बताइए 5 बार, और आपने, अच्छा आपने सीपीयू भी लगाया है, सीपीयू ईएमएमसी सब लगाया है लाइव मोबाइल से, जब लगाया तो क्या सोचा आपने, क्या रिजल्ट मिला, अभी आपका कैसा आपको फील हो रहा है, आउटपुट क्या लग रहा है आपको, पहला आया तब मेरे को कुछ भी नहीं था, अब लगाने के बाद में, सीखने के बाद में फिर लगा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपसे आईसीओ को काम करवाया है या फिर कुछ स्कीमेटिक भी पढ़ाया है या कुछ डायग्राम या ट्रेसिंग या कॉम्पोनेंट भी पढ़ाया है, बताइए सारे चीज पढ़ाइए, आप कॉन्फिडेंस कैसा लगता है, अभी कॉन्फिडेंस कैसा लगता है, अच्छा है, अच्छा है, मतलब आपने एक सही डिसीजन लिया या आपने कहीं और भी जाके यही काम सीख सकते थे, या बताइए सिर्फ यहाँ पे सीखने को मिलता है ऐसा कुछ अलग, डिसीजन सही था मेरा, हाँ कहाँ से आए आप, अहमदाबाद में, क्या नाम है आपका, प्रजापति अनिल, अच्छा मुझे बताओ आप कोई एक्सपीरियंस है आपसे पहले से कुछ काम कर रहे थे क्या, शॉप है सर मेरी 2, हाँ ओनली फॉर रिपेयरिंग, तो 2 शॉप है इनकी, आप अपनी शॉप का एड्रेस बताओ जरा, बताओ कोई बात नहीं, 74/14 असारा चमनपुरा अहमदाबाद, और इनका, और इनका अभी हम नंबर नहीं दे रहे, आपका नंबर हम देंगे जब आप यहाँ से सर्टिफिकेट पा लेंगे, और आप अपने मुंह से देंगे अपना नंबर, और आप अगर देश के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं, आप बना के दे सकते हैं क्या उनको, काउंटर काम है ना आपका, तो मतलब आपके बाद में अगर कहीं और से भी आपके फोन आए तो आप रिपेयर करके देंगे ना, इस बार आईसीओ का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करते थे, और अब आप रिपेयरिंग मतलब इंटरनली ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग पे करेंगे, अभी आपको यूएफआई का काम आता है क्या, नहीं सर नहीं आता, अभी आपको यूएफआई की क्लास सीख रहे हैं आप यहाँ पर, तो वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट का बता, किस किस का एड्रेस दे सकते हैं हम, किस किस का नंबर दे सकते हैं, लोग बोलते हैं सर स्टूडेंट का नंबर दो, सभी का नंबर दे सकते हैं,
क्योंकि आप सब यहाँ पे काम सीखने आए हैं और यहाँ पे काम सीख के जा रहे हैं, ये नहीं कि भाई यहाँ से कर लिया फिर घर जाके कुछ किया या नहीं किया, वो वाली बात है। किस किस ने यहाँ पर लाइव मोबाइल में से एंड्रॉइड 4G में से CPU निकाल के लाइव सेट को चालू किया है? यहाँ पर सभी ने किया है, यहाँ पर कुछ आप में से, आप में नहीं किया अभी। जियो 4G का किया, वो भी तो लाइव एंड्रॉइड है ना 4G, और उसमें भी तो MSM लगा हुआ है ना। और अभी इनके पास में कौन सा फिर कोई सेट है इनके पास में, लाए हैं सेट तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वेरी गुड, मतलब इतने सा किन किन लोग ने किया है एक बार बताइए जरा, हाथ उठा के कर देख। इतने लोगों ने लाइव मोबाइल से CPU निकाल के लगा लिया, ठीक है। अभी सर इसके बाद हम नेक्स्ट बताए किन किनों के बाद कि आगे का आउटपुट बताएंगे, अगर हम पूछे कौन कौन यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड लाइव CPU निकाल के लगा के लाइव चालू करेगा आगे, क्योंकि इस क्लास में सब चालू करेंगे यहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ पर अभी बहुत क्लास बची है हमारी। और हार्डवेयर की सेक्शन की बात करें तो हमारा ट्रेसिंग का नॉलेज यहाँ पर लगभग आधी क्लास हमारी हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ GR किसे कहते हैं, कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट की बात करूँगा, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं भाई, कैपेसिटर दो प्रकार के, डायोड कितने प्रकार के, तीन प्रकार के डायोड, कॉइल कितने प्रकार के, चार प्रकार के कॉइल होते हैं। तो ये सारी चीजें, और थर्मिस्टर चेक करना किस किस को आएगा बिना थर्मिस्टर के डायग्राम के, देखिए आप सभी को आएगा। तो यहाँ पर मैं रिव्यू, जैसे आप खड़े होइए, आपका नाम क्या है? राहुल दुबे, बताइए यहाँ आने से पहले क्या सोचती और अब आने के बाद में, और आपके साथी गण की भी क्या सोच है थोड़ा सा बताइए। सर काम तो करते थे सर 6-7 साल से, पर नॉर्मल रिपेयरिंग करते थे सर, IC वगैरह ट्रेस करना, चेक करना, कंपोनेंट चेक करना, तो परफेक्ट प्रेसिंग कुछ भी नहीं थी। यहाँ सर आए यहाँ तो 0 ही थे। अच्छा, अपने हिसाब से ऐसा लगता था कि हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि 2-4-10 काउंटर का काम करते थे तो ऐसा लगता था बहुत काम आता है। यहाँ आए तो समझ में आया सर कुछ नहीं आता। अच्छा, अब अभी अगर हम आपको घर भेज दें तो फिलहाल कितना काम कर सकते हैं ये बताइए, अभी अगर घर भेज दे तो फिलहाल कितना काम कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। मतलब अगर पावर AC निकाल के लगा सकते हैं, CPU निकाल के लगा सकते हैं, बूट स्वैप कर सकते हैं क्या? बूट स्वैपिंग का मतलब है CPU और MMC को निकाल के सेम बोर्ड में लगा सकते हैं। कौन कौन बूट स्वैपिंग कर सकता है CPU MMC को लगा के? सर बूट स्वैपिंग करवाएंगे आपसे अभी, बूट स्वैपिंग करवाएंगे अभी आपसे, कौन कौन करेगा यहाँ पर लाइव? बिल्कुल बूट स्वैपिंग करना है सर, बूट स्वैपिंग के बहुत फायदे होते हैं भाई, कस्टमर का डाटा बचता है एक ऐसे मोबाइल में। बूट स्वैपिंग के फायदे बताइए फिर। सर जैसा एज इट इज वो चालू था, जब बंद हुआ उसी कंडीशन में लॉक के साथ पूरा गैलरी, मीडिया, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट सब उसको मिल जाएंगे जिसका भी था। तो उसमें हम CPU और MMC को दूसरे बोर्ड में स्वाइप करते हैं, बोर्ड जब नीचे गिर जाता है, बेंड हो जाता है या वाटर डैमेज की वजह से इंटरनली ट्रैकें मिस हो जाती हैं, तो हम CPU और MMC लगा के कस्टमर को सेट ऑन करके दे सकते हैं। हाँ, मतलब हम एक मोबाइल में बेमतलब का परेशान हो के कि पावर भी बदल दिया सर, ये UFI से हमने प्रोग्रामिंग बंद कर ली, CPU को भी हमने रिबॉल कर लिया, सब कर लिया, फिर और कोई भी कॉम्पोनेंट शॉर्ट नहीं है, फिर भी हमारा बोर्ड गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी पड़ती है? स्वैपिंग। और उसके लिए जो भी स्वैपिंग के जो फ्रेश बोर्ड होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कोई SI Telecom आना चाहेगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, क्यों आए वो? सर वैसे वैसे सर ऐसे वैसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर 30 दिन का कोर्स होता है, 10 दिन में नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, तो मैं ये जो कहते हैं 10 दिन 15 दिन वो संभव ही नहीं। हाँ, 30 दिन वो भी आपको 30 दिन में भी आपको ये नहीं कि 2 घंटे में पढ़ा के भेज रहे हैं, 12-15 आप आठ, आपका पूरा दिन यही बीत रहा है, 14 घंटे सर पूरा 14 घंटे। और डेली आपको IC की क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है? डेली SMD का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं डेली, ये भी नहीं कि एक दिन थ्योरी थोड़ी पढ़ा दिया तो अगले दिन, और जिस पर भी अगर हम थ्योरी भी पढ़ाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइव सेक्शन में देते हैं ना, लाइव सेक्शन में थ्योरी का प्रैक्टिकल, ये नहीं बोर्ड पे पढ़ाते हैं क्या खाली? अगर हमने लाइट भी पढ़ाया तो आपको वहाँ ICU के वोल्टेज दिखाए, IC निकाल के लगा के आपको बकायदा सारी चीज दिखाई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट, और आपका नाम बताइए? उदित। आप कहाँ से हैं? सर असम से। असम से उदित, आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, आपने पहले काम किया है या आप फ्रेशर हैं? ज्यादा किसी नहीं किए थे, दो साल काम किए। आपने क्यों SI Telecom को चुना? ऐसा लगा कि आप कॉम्पिटेंस वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था, काम करते थे लेकिन क्यों करते थे कोई कुछ कभी से हो भी जाता था, क्यों होता था पता ही नहीं। मतलब कौन सी चीज कहाँ है, PCB देखते थे तो घबरा जाते होंगे, ये IC काई के लिए है, दो पावर क्यों लगी है, दो पावर का लगने का भी रीजन नहीं पता था। अभी दो पावर में से अगर मैं बोलूं मेन पावर और सेकेंडरी पावर को पहचानना, तो पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? देख के साथ ही, ये भी नहीं कि IC को नंबर देखें। सो अब बताइए, जब आपने आया यहाँ ICO की डिटेलिंग, ICO की क्लास को कैसा लगा आपको, जब ICO की डिटेलिंग दी थी यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत सारे ICO के नंबर बताए है ना।
तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने कौन कौन से लाइव काम किए आपने सेट पर? हमने यहाँ पर सैमसंग J2 का लाइव काम किया है। J2 का क्या किया उसमें? J2 का CPU निकाल के रिवोल्व करके फिर से लगाया, फिर से ऑन किया। इन्होंने किया ये? इन्होंने किया। अच्छा, इनके ही मोबाइल में किया है? नहीं, इन्हीं का मोबाइल है। इन्हीं का मोबाइल है। कैसा लगा आपने ये किया? आपने व्हाइट पेस्टेड ICT इनके लिए जोरदार क्लैप करें जरा। डरे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरे। अगर डर जाते तो क्या हो जाता? मैं आ गए तो क्या डरना सर? हाँ, अगर यहाँ डरोगे तो फिर घर जाके क्या करोगे? मैं यही चीज आपसे कह रहा हूँ कि डरना कभी मत, क्योंकि यहाँ खुल के काम करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आपने जब वो किया तो अब आपको ICO पर तो आपको कोई ऐसा लगता नहीं होगा कि कोई सी भी ICO देखो मैं रिवॉल्व करके लगा दूंगा? कर लोगे आराम से? तो मतलब कोई सा भी सेट पकड़ सकते हो हाथ में? वेरी गुड यार। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका नंबर मैं यहाँ नीचे डालूं, बहुत से लोग मानते हैं, तो आपको अगर कुरियर आया तो एक्सेप्ट करोगे कुरियर? यहाँ पर आपका एड्रेस क्या है? मेरा असम। तो आपका नंबर मैं अभी नहीं दूंगा दोस्तों, मैं सच बताऊं, क्योंकि अभी इनका आधा कोर्स हुआ है। देना सही रहेगा नहीं रहेगा? अभी आप UFI भी सीख रहे हैं, आप ब्लैक पेस्ट है, आपने व्हाइट पेस्ट किया, अब आप ब्लैक पेस्ट पे भी काम करेंगे। आपका अभी सर्किट, आपका नेटवर्क सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन आपके बचे हुए हैं जिसमें आप ट्रेसिंग सीखेंगे। तो मतलब वाकई में कैसा लग रहा है? ये बताइए कि क्यों कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, क्यों आए एशिया टेलीकॉम? एशिया टेलीकॉम सर मतलब कि क्या है, कोई आदमी ये काम कर रहा है, अगर वो चाहे कि हम बढ़िया से प्रॉपर से काम करें और किस तरह से काम करें, एस्केमेटिक जो नॉलेज है उस तरह से यदि काम करना है तो एशिया टेलीकॉम में ही आके सीख सकता है। दूसरा जगह तो हम ऐसा श्योर नहीं दे सकते हैं कि ये कुछ सीख पाएगा। आप देखिए, इंडिया में लोग 2-4 स्टूडेंट को पढ़ाने में घबरा जाते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर एक साथ 30 स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो बात है ना यहाँ पर। और आपको बताइए, क्या आपको डायरेक्ट सीट मिल गई थी क्या यहाँ पर? नहीं सर, हमने तो 2019 के दिसंबर में बुक की थी। किस किस को डायरेक्ट सीट मिली थी? कॉल किया और अगले दिन यहाँ पर नहीं। किसी को मिली थी क्या? नहीं। जब आपने कॉल किया था तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने का तो आपको मिला होगा। किस किस को मिला था मेरे को सर बताओ, कॉलिंग के टाइम पे? सर मेरे को 1.5 साल। मतलब आप, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉल नहीं उठाते हैं, आप लोग एरोगेंस हैं या ऐसा है। देखो आप बताइए क्या हम दिन में यहाँ हम लोग कॉलिंग उठाते हैं क्या? कभी आपने टीचरों को स्टूडेंट से बात करते हुए देखा है क्या? हमारा कॉलिंग एक सिस्टम है और जो एक टाइमिंग है जो 10 से 5 बजे के बीच में। तो जनरली लोग क्या करते हैं, 5 के बाद कॉल करते हैं या सुबह 6 बजे रात के 8, 10, 11, 12 बजे। बहुत से लोगों का उठा भी लेते हैं रात के 8, 12 बजे, पर एक टाइमिंग पे ही कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम क्या है? अरुण। कहाँ से हो? रतलाम। थोड़ा अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज निकालो, बिल्कुल जोश के साथ, जो लगे कि हाँ यार तुम अरुण हो और तुम्हारे घर वाले जब ये वीडियो देखे ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश हो। वहाँ पर बताइए अरुण कि यहाँ क्या मिला आपको जो कहीं और नहीं मिलता था? बताइए सर, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज जो सर दूसरी जगह नहीं मिलता है सर, स्कीमेटिक वगैरह का, कंपोनेंट्स वगैरह का नॉलेज यहाँ पे प्रॉपर मिलता है और अच्छी तरह से मिलता है। टीचरों को यहाँ पे नॉलेज है कि भी नहीं है पढ़ाने का? पूरा नॉलेज है 100% सर। अगर मैं फिरोज सर की बात करूँ तो कैसा है फिरोज सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते फिरोज सर। फिरोज सर कैसे है बताइए यहाँ पर, तो इस बार फिरोज सर के तालियां बजा दीजिए। अभी दुर्गेश सर के लिए आप देखेंगे जब इनको सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना इजी और चुटकियों में आपको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। सो यहाँ पर ICO पे लाइव काम किया आपने? क्या किया आपने सर? जियो के मोबाइल में पावर IC CPU MMC सब निकाल के सर वापस लगा। एक बार निकाला कि 2-3 बार किया? कम से कम 3 बार किया ना, क्योंकि एक बार तो तुक्के में भी निकल जाती है, एक बार तुक्के में भी टच हो जाती है, पर 2-3 बार करना इसका मतलब है कि हाँ मैं कर लूंगा। एक कॉन्फिडेंस है कि सर हमको सिर्फ यहाँ पे आना है ये करने के लिए, प्रैक्टिस की निकालते लगाते कैसे और सेट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में तो हम अपना खुद घर जाके क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस। पर अगर नहीं हुआ तो आपके पास फायदा क्या है इससे टेलीकॉम ज्वाइन करने का? सर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है सर, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है यहाँ पे आने के बाद के सर कोई डरने की बात नहीं। और अगर कहीं घबराए भी तो दूसरी बार वापस आ सकते हैं बिना कोई चार्ज, मतलब कोई भी आपको नहीं देनी है। मतलब हमने एक पर्सनली एक बैच बना के रखा हुआ है, डेट है हमारी 8 तारीख, जहां पर हम अपने पुराने ओल्ड स्टूडेंट को लेते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि एक बैच पढ़ाया अगला बैच आ गया, अगला बैच आ गया, अगला बैच आ गया, टीचरों को टाइम ही नहीं है अपने पुराने स्टूडेंट को देखने का। तो एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्यों ज्वाइन करें? सर यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है सर ऐसा कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में शायद मिलने को नहीं मिलेगा ऐसा, जो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वगैरह स्कीमेटिक वगैरह कंपोनेंट्स का जो नॉलेज है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर EMMC का सर, जो स्टार्टिंग शुरू दिन से ही सर EMMC के मतलब चालू करवा देते हैं रिबोलिंग वगैरह सब, बहुत अच्छा तो काम होता है, इसलिए आए स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार सर।
राहुल ये अगर तो एक सवाल करके पूछते हैं, मुझे बताओ कि थर्मिस्टर और वीडीआर में अंतर क्या है? थर्मिस्टर वीडीआर में अंतर ये है कि कॉइल में वो मत दिखाओ कैसे चेक करते हैं ये करते हैं, है मतलब दोनों में समानता, समानता बताओ कि दोनों में दोनों क्या काम करते हैं, थर्मिस्टर क्या काम करता है, वीडीआर क्या काम करता है? थर्मिस्टर सेंस करता है, सेंस करता है, किसको सेंस करता है? जाने वाले वोल्टेज को, मतलब हीटिंग को। थर्मिस्टर क्या काम करता है? हीटिंग को सेंस करता है। और जो वोल्टेज को सेंस कौन करता है? वीडीआर। थर्मिस्टर क्या काम करता है? थर्मिस्टर वोल्टेज को सेंस करता है। वीडीआर क्या काम करता है? वोल्टेज को, भाई ज्यादा वोल्टेज को सेंस करता है, सेंस करता है। बताओ थर्मिस्टर और वीडीआर को पहचानना आएगा कि नहीं आएगा आपको? बिल्कुल पहचान लेंगे यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इसे टेलीकॉम ज्वाइन क्यों किया, क्यों आप यहाँ आए इतनी दूर, कहाँ से आप? हम बिहार से सर। बिहार से हैं, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल आप बिहार से हैं, आपके पास में कितना बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, तो यहाँ क्यों आए इतना दूर जबलपुर में छोटे शहर में? जब YouTube हम लोग कम से कम साल भर से देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो YouTube जब देखते स्टूडेंट का रिव्यू अच्छा आता है। हाँ, तो रिव्यू तो सभी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, वो जो प्रैक्टिकल जो यहाँ पे मिलता, हाँ, है, हाँ, मतलब आपने जो, हाँ, जेन्युइन है, ट्रस्ट हुआ है, हाँ, उसके बाद मैंने सीट बुकिंग किया, लगभग 5 महीना 6 महीना एवरेज हो गया होगा। अगर मान लो हमारी तब से कॉल आते थे क्या, सर आप आए नहीं, सर आपका ये है, सर आपका वो है, कॉल आपको किस में से? हमारी तब से एक सिंगल कॉल आया कि आपने कॉल किया और हमने तुरंत एक घंटे बाद कॉल किया है कि हाँ सर आपका कॉल आया था, ये ऑफर चल रहा है, ऐसा कभी आया क्या? कभी नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि हाँ सही बात है, जब से यहाँ पे आए हैं बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग से मिल रहा है, हाँ, कंपोनेंट मेन कंपोनेंट से लोग पहले कंपोनेंट पे ध्यान नहीं देते, हाँ, उसका ट्रेसिंग बहुत मजबूत होना चाहिए, हाँ, हाँ, तो वो ट्रेसिंग का स्टार्टिंग से मिला और रिवॉल्विंग करने का स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है, उस पर लगातार काम करने से ही हाथ फ्रेश होगा। अच्छा राहुल मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, अगर कोई आए ऐसा टेलीकॉम तो क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि बेसिक मजबूत बहुत जरूरी है, कंपोनेंट से लेकर आईसी तक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मिलता है। राहुल मैं सच बताऊं आपको, हाँ बोलिए आप बोलिए, सुबह 8 बजे से लेकर, हाँ, रात को 8 बजे का टाइमिंग है, लेकिन फिर भी, हाँ, एक घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा अगर एक्स्ट्रा आपको समझ नहीं आता है तो फिर सर हो गए या कोई भी सर हो गए, मोहम्मद सर हो गए, हाँ, तो ये सर के द्वारा टाइम दिया जाता है। मैं राहुल आपको सच बताऊं, सही आपका जवाब बिल्कुल सही है, मैं आपको सच बताऊं कि देखो ये सारी चीज तो कोई भी पढ़ा सकता है, जिसको नॉलेज है, सही नॉलेज है तो वो पढ़ा सकता है, कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ना पढ़ा नहीं पढ़ा पाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली यहां पे स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है, यहाँ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, यहाँ पर जो चीज बोर्ड में बताई जा रही है वो चीज मोबाइल फोन की पीसीबी में दिखाई जा रही है और स्टूडेंट को करवाया जा रहा है। किस किस के पास बोर्नियो एक्टिवेटेड है यहाँ पर बताओ? बोर्नियो देखिए, आप सबके पास बोर्नियो एक्टिवेटेड है, क्यों? रीजन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं बोलता कि देखो बोर्नियो परचेस कर लेना घर जाकर और मैं क्लास में पढ़ाता तो कर कौन रहा है? मैं, आप में से कोई तो बोर कर नहीं रहा ना, घर जाकर रूम में जाकर फिर बाद में वो स्कीमेटिक भी नहीं पढ़ पाते। स्कीमेटिक पढ़ाना अलग बात है और स्कीमेटिक आना अलग बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए सबसे पहले आते साथ आपको क्या है, हमने खरीदने को बोला बोर्नियो, आपको खरीदने को बोला, आपको लगा होगा यार ये क्या कर रहे हैं, हमको तो आता ही नहीं है, हम सीख ले फिर खरीदते हैं, क्या सीख ले फिर खरीदते हैं, तो सीखेंगे क्या जब आप कर ही नहीं, करेंगे ही नहीं, देख कर सीख लेंगे तो फिर यूट्यूब से ही देख लेते फिर यहाँ क्यों आते? सो राहुल चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हाँ भाई क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से अरविंद, आपने एक बार बताओ, जब आपने इससे पहले दुकान उकान में भी गए थे काम सीखने, क्या हुआ था आपके साथ में जो आपने यहाँ पर एक शेयर की थी स्टोरी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ। सिखाना नहीं चाह रहा था। सिखाना नहीं चाह रहा था, क्या बोला था आपसे? बोला कि नहीं सीख पाऊंगा। क्या रीजन है थोड़ा सा अरविंद बताओ अपने बारे में? रीजन है सर कि वो बोला था कि छोटे छोटे कंपोनेंट होते, बहुत सारी चीजें होती है, नहीं समझ। तो उसने बिल्कुल हाथ उठा दिए और वो आपको बिल्कुल मना कर दिया कि आप सीख ही नहीं पाओगे और आईसी कभी नहीं लगा पाओगे, निकाल पाओगे। फिर आपने यहाँ पर क्या काम किया लाइव बताओ? ये सब आईसी वगैरह सर, ट्रेसिंग वगैरह, कंपोनेंट। आईसी लाइव में क्या क्या काम किया आपने? पावर आईसी, एमएमसी, ये सब। सीपीयू भी किया आपने? तो आपने खुद से किया यहाँ पर और निकाला? शुरू में हुआ था क्या, शुरू में दिक्कत जा रही थी यहाँ पर क्योंकि आप फ्रेशर है बिल्कुल, फिर बाद में फिर यहाँ पे किया। अब मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एमआई आपको दे दू A1, एमआई A1 का जो सीपीयू लगा हुआ है, MSM CPU लगा हुआ है, तो अब ये बताइए उसका अगर CPU मैं बोलूं कि भाई इसका ब्लू डिस्प्ले आ रहा है, CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कौन कौन कर लेगा बाहर उठा के बताओ, देखो आप सब कर लेंगे, डरेंगे क्या? सेट डेट नहीं होगा, अब सेट डेट तब होता जब हम एडमिट, अरविंद सेट डेट तब होता आप, हाँ तो आप बैठ जाओ कोई बात नहीं है, सेट डेट कब होता जब हम एक बार भी प्रैक्टिस और एक बार सिर्फ CPU रिवॉल्व करके घर चले जाते,
तो अरविंद क्या कहना चाहेंगे वो स्टूडेंट के बारे में जो ऐसे टेलीकॉम आना चाहते हैं, क्यों आए? क्योंकि सर यहाँ प्रॉपर जानकारी दी जाती है सिस्टमेटिक के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, आईसी के बारे में और एमएमसी के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पूछने पर डांटते तो नहीं है ना हम लोग? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि आपने चार बार पूछा पांचवी बार डांट दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। डिसिप्लिन कैसा है क्लास का? डिसिप्लिन बहुत सर है। डिसिप्लिन बहुत है, कंधे पे हाथ रख के समोसा तो नहीं खिलाते ना? दोस्त दोस्त तो नहीं बोलते ना? डिसिप्लिन होना जरूरी है क्या अरविंद? क्यों जरूरी है बताओ? डिसिप्लिन में रहेंगे सर तभी सीख पाएंगे। वेरी गुड आंसर मेरे भाई। डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो नहीं, इसलिए कॉलेज से निकलते लड़के कभी भी 90% कोई नौकरी नहीं मिलती है। कॉलेज से निकलने के बाद में लड़कों को कोई जॉब नहीं है क्योंकि उनको अपना खुद का नॉलेज नहीं है। अगर उनसे बुक भी पूछे जाएंगे ना कि पांच बुक में से एक का नाम बताओ तो वो भी नहीं बता पाते, ढंग से इंटरव्यू भी नहीं देते क्योंकि कॉलेज का डिसिप्लिन कभी भी नहीं रहता है कि स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं है बताइए? बताइए आपका नाम क्या है? शाकिर अली। साकेत अली, कहाँ से आप? सर यूपी। यूपी, एशिया टेलीकॉम को क्यों? सर क्योंकि एशिया टेलीकॉम मैंने इसलिए ज्वाइन किया, मैंने एक जगह पहले से कोर्स कर रखा था और एशिया टेलीकॉम के सारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं सर और बहुत सारे वहाँ से इंस्टीट्यूट से कंपेयर किया, तो मुझे एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट लगा। अच्छा, तो आप ये बताओ यहाँ पर सीखा क्या क्या आपने, लाइव क्या काम किया? सर लाइव बहुत सारे, जैसे ग्राफिक शाशे, रिंगर, ये सब लाइव निकाल के लगाई आपने और सीपीयू निकाला आपने लाइव? हाँ सर। पावर निकाला, एमएमसी निकाला? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे कभी भी। क्यों झूठ बोलेंगे अपने लिए, क्यों झूठ बोलेंगे? हाँ सर। भाई सीखने आए हो ना, तुम्हारे तुमने मेरे को पैसे दिए, तुमने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग का पैसा दिया कि सर हमको सिखा दीजिए, ये पैसे है और हम इतने दिन रहेंगे और हमारा पैसे सीखने का पैसा है। तो आप अगर नहीं सीखे तो फिर आप ये तो ना बोलोगे नहीं सर मैं तो सीख गया। भाई कोई फेक वीडियो कोई नहीं होते। यस सर। तो अच्छा ये बताइए, एक होता है कि हाँ सर हम कर लेंगे, बोल दिया जाकर तीन दिन का पढ़ा दिया बोल दिया, एक होता है कि सही सही में कर लेंगे और चाहे तो मेरा लाइव वीडियो बना सकते हैं, लाइव वीडियो बना सकते हैं आपका? हाँ सर, बना सकते। तो फिरोज इनका लाइव वीडियो बना के डालेंगे। सो आप अगर इनका लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो एशिया टेलीकॉम के फेसबुक पर आप चले जाए और इनका लाइव वीडियो देखिए, वहां पर डाल देंगे इनका लाइव वीडियो। काफी सारे लाइव वीडियो है, काफी सारे लाइव वीडियो यहाँ पर। कहाँ कहाँ हमारे वीडियो अपलोड होते हैं थोड़ा बताए? हमारे एशिया टेलीकॉम के जो फेसबुक पे पेज है उसके ऊपर और देवरत्न अग्रवाल फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे आपको दोनों। और अपना चैनल का नाम बताओ? टेक्निकल फिरोज है मेरा, शेख फिरोज के नाम से फेसबुक पे, वहाँ भी मिल जाएगा। स्मार्ट टेलीकॉम है, आप उससे जाके वॉच कर सकते। स्मार्ट टेलीकॉम में जाके आप वॉच कर सकते हैं, तो इतने सारे आपको देखने मिलेंगे। अच्छा एक सीधी सी सवाल है, आखिरी पूछूंगा फिर क्लास में क्योंकि हमें आज का क्लास भी लेना है। मुझे ये बताइए कि क्यों एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करें कोई स्टूडेंट? सर जिसको अपना टाइम नहीं बर्बाद करना और ना ही अपने पैसे और तुक्केबाजी छोड़ना हो तो फिर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। और दूसरा सर भविष्य को इंश्योर करें सर, वाई भविष्य को इंश्योर, वाई हमारा टेलिंग दिस की भविष्य को क्यों इंश्योर करें? क्योंकि सर सीख तो एक बार लिया है, पैसे भी एक बार दे दिए, पर बाद में कभी लाइफ में अपडेट आए या लाइफ में गैप हुआ तो वापस आकर अपनी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं और सीख सकते हैं, नया नया सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आओ एक दिन आओ, तो यहाँ पर तो पूरा 10 दिन बैठाएंगे हम आपको। और जिसका यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पे गिफ्ट भी दिया जाता है, वो गिफ्ट क्या रहता है जो पिछले वाली क्लास को दिया था, कौन बताना चाहेगा क्या गिफ्ट है यहाँ पर बताइए आप? एक मिनट बताइए। पिछले बार जब आएंगे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। फ्री क्यों किया हमने, क्या क्या रीजन है, हर एक को किया क्या यहाँ पर? नहीं सर, जो अच्छा स्टूडेंट रिव्यू जिसका अच्छा रहेगा जो सीख पाएगा नोट अच्छा बनाएगा उस स्टूडेंट रिव्यू के नहीं 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 रिव्यू के लिए नहीं, रिव्यू तो हम सब भी आप अच्छा दे रहे हैं, रिव्यू नहीं जिन्होंने अपना हार्ड वर्क किया है, मतलब देखो आप सबने नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, आप सभी ने यहाँ पर लाइव काम किया है, पर ये है कि जो ज्यादा अच्छा काम करेगा, जो ज्यादा अच्छा हार्ड वर्क करेगा, जो स्टूडेंट ने हार्ड वर्क किया है तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ गिफ्ट डाले हैं ताकि वो एक मोटिवेट हो सके। यहाँ पर हम एक दिखाना चाहेंगे, दिखाइए जरा, ये देखिए कोई अपने नोट्स दिखाना चाहेगा कि किस तरह से अभी तक उन्होंने नोट्स बनाए हैं, दिखाइए। देखो तुम अपना दिखाओ, देखिए आप लाइव देखिए, ये हमारे स्टूडेंट के लाइव है, दिखाइए। वेरी गुड, ये देखिए दिखाइए, करते जाइए। ये देखिए आईसीओ की डिटेलिंग, हर आईसी के यहाँ पर आपको डिटेलिंग दी हुई है, आईसीओ के अंदर के पैड की डिटेलिंग यहाँ पर आपको देखिए, आईसीओ की डिटेलिंग यहाँ पर आप देखेंगे, मीडिया टेक यहाँ आईसीओ के नंबर ये भी देख रहे हैं यहाँ पर, आईसीओ के यहाँ पर और दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, देखिए ये बहुत दिखाइए और दिखाइए, देखिए
यहाँ पर देखिए हर आईसी ऑडियो आईसी सर्किट यहाँ पर कितने जीआर क्या आना चाहिए, पावर आईसी बीएसआई बीबैट की सप्लाई, ये ट्रेसिंग करके, यह आपने खुद ट्रेसिंग करके दिया, वेरी गुड। और दिखाइए ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सर्किट, और दिखाइए यहाँ पर ये देखिए आईसीओ का, ये आपने खुद बनाया यहाँ पर, ये आपने बोर्ड से तो नहीं छापा है, इसको समझ के बनाया ना। यहाँ पर ईएन सिग्नल कहाँ पे आ रहा है बताओ, यहाँ पर इसमें ईएन सिग्नल कहाँ पे आ रहा है बताइए, ए फोर पे आ रहा है, सीधा सीपीयू से डायरेक्ट आ रहा है, इसमें क्या लगा हो सकता है, ईएन कैपेसिटर हो सकता है और रजिस्टर हो सकता है, बिल्कुल दिखाइए ये देखिए वेरी गुड। यहाँ पर और दिखाते हम, दिखाइए अपने ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा, तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है, रात में बैठ के अगर जितना मना लो कि भविष्य में ये चीज़ आपको गिफ्ट इतनी अच्छी मिलेगी, ये देखिए नोट्स देखिए यहाँ पर, ये नोट्स यहाँ पर तो बनाते हो, कहाँ बनाते हो जाकर, हॉस्टल में जाकर बनाते हो, क्योंकि यहाँ तो आप रफ काम करते होगे ना, यहाँ पर यहाँ दिखाइए ये देखिए, ये देखिए नोट्स देखिए आप स्टूडेंट के, ये इनके अभी क्लास के नोट्स हैं, देखिए कंपोनेंट का हो गया, ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर के नोट्स हो गए, ये देखिए आईसीओ की डिटेलिंग देखिए, यहाँ पर पूरे पैड की जानकारी है कि कौन सा पैड का क्या जानकारी है, तो ये बेसिकली पहले टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे हैं भाई, लोग बोलते हैं पर बुलाते हैं फिर 10 बजे हैं, और दो दो तीन तीन घंटे छुट्टी दे देते हैं बीच में, घर चले जाते हैं, घर जा जाते हैं खाना खा कर आते हैं और एक घंटे की नींद लेके आते हैं, बात समझिए आप। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको समझ में आया तो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, नीचे लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जो आपको पूछना है वो कमेंट कीजिए, हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप कॉल जो कीजिए टाइमिंग पर कीजिएगा, कॉल नहीं लगता है तो अगले दिन का लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वेबसाइट है www.acertelecom.info, एक वेबसाइट है www.acertelecom.mobilerepairing.com, दोनों ही वेबसाइट से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, उसके अलावा मेरी 18 वेबसाइट अलग है जो आपको www.acertelecom.info में मिल जाएगी, फेसबुक के पेज में जाइएगा तो एसर टेलीकॉम हमारा मेन फेसबुक ऑफिशियल पेज है, मेरे फेसबुक में जा सकते हैं देवेंद्र अग्रवाल, शेख फिरोज, दुर्गेश कुमार सोनी और हमारा उसके अलावा EMMC के अलग फेसबुक है, तो आपको सारी लिंकें नीचे मिल जाएंगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब फिर से करना, और सबसे ज़्यादा जाते आपके मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हमें किंग नहीं बनाना है, ये किंग खुद बनेंगे, हम इनको किंग बनाने लायक ट्रेन करेंगे, तो इसलिए जाते जाते ये कहूँगा कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटेड, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू वेरी मच।